दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सरवारा टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। पहले आपको अपने कंप्यूटर का नेम चेंज करना होगा, अपने सर्वर का नेम चेंज करना होगा। आपको माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पर जाकर यहाँ पर आप चेंज सेटिंग पर क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने विंडो सर्वर की मशीन का नेम देंगे, मान लीजिए मैं DC1 देता हूँ। ओके करेंगे। ओके, क्लोज, रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। ये मशीन रिस्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप अपने सर्वर का पासवर्ड डालेंगे, एंटर। हमारा सर्वर लॉगिन हो गया है। अब हम अपना मशीन का नेम चेक करेंगे, वो चेंज हो गया है या नहीं हुआ है। दिस पीसी प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर नेम चेंज हो गया है, DC1। क्लोज करेंगे, डैशबोर्ड ओपन करते हैं, सर्वर मैनेजर। आप देख सकते हैं हमारे सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है सर्वर को IP देना। आप कमांड प्रमोट में जाकर ncpa.cpl की कमांड डालेंगे, ओके दबाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, IPv4 पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको पहले से ही IP दिया हुआ है 10.0.0.10, और जो हमारा DNS सर्वर होगा उसमें भी हमारा मशीन का ही IP देंगे। नोटिफिकेशन पर जाएंगे, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, इसको हम डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, आपके फॉरेस्ट के अंदर कौन से सिस्टम्स लगे हुए हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अंदर रन कर रहे हैं। तो अभी हम फॉरेस्ट बना रहे हैं तो इसमें विंडोज सर्वर 2012 है, तो इसी को सिलेक्ट रहने देंगे। दूसरा है डोमेन फंक्शन लेवल, इसको कौन कौन से डोमेन ज्वाइन कर सकते हैं, तो विंडोज सर्वर 2012 R2 इसी को सिलेक्ट रहने देंगे हम। और एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है DNS सर्वर, जब भी आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम AD लगाते हैं या फॉरेस्ट बनाते हैं तो उस पर DNS सर्वर टिक मार्क होता है, और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ये भी टिक मार्क होता है जब आप फर्स्ट टाइम AD को इंस्टॉल करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और एक तीसरा ऑप्शन है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जो कि हाइड है। ये तब बनता है जब आप अपना एक AD सर्वर बना लेते हैं, तो उसके बाद ये ऑप्शन आपका हाइड नहीं होता है और आप RODC बना सकते हैं। नीचे दिया हुआ है टाइप द डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड DSRM पासवर्ड, तो हम DSRM पासवर्ड डाल देते हैं। ये आपका तब काम आता है जब आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करते हैं। इसके नाम से भी आपको पता लग रहा होगा, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड। इसमें मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पर आपका नेट बायोस नेम आएगा जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपका नेट बायोस नेम आ गया HCL। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे,
specify the location of ADDS database log files and sysvol. डेटाबेस फाइल कौन सी होती है जिसके अंदर आपके यूजर्स एंड कंप्यूटर्स और ग्रुप्स और यूज आपके स्टोर होते हैं उसको कहते हैं डेटाबेस फाइल. और दूसरा है लॉग फाइल्स जिसके अंदर लॉग्स जनरेट होते हैं. तीसरा है सिसवॉल फोल्डर जिसके अंदर आपकी ग्रुप पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. आप यहाँ से इनकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते तो, बट मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इसको सेम ही रहने दें और इसको छेड़े ना. अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे. नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फिगर दिस सर्वर एज द फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इन ए न्यू फॉरेस्ट. ठीक है, hcl.com हमने बनाया है. ये नेट बायोस नेम है जो वेरीफाई हुआ था. ये फंक्शनल लेवल है जो हमने सिलेक्ट किया है, विंडोज सर्वर 2012 R2. यह डोमेन फंक्शनल लेवल, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है या नहीं, यस. डीएनएस सर्वर, यस. आप देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई थी वो सारी इसके अंदर शो कर रही है. ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ से व्यू करके भी आप इसको देख सकते हैं. तो हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे. आप देख सकते हैं हमारा जो डोमेन कंट्रोलर की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है. आप यहां पर भी देख सकते हैं पास सक्सेसफुली. इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी प्रोसेसेस इसके अंदर चल रहे हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे. जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो उसका बाद आपका सर्वर रिस्टार्ट होता है. तो इस पर क्लोज करेंगे. क्लोज. आप देख सकते हैं यहाँ पर ADDS सर्वर. तो हम वेट करते हैं जब तक ये रिस्टार्ट होता है. हमारा सर्वर अब रिस्टार्ट हो चुका है. इसको हम लॉगिन करेंगे. कंट्रोल और डिलीट को प्रेस करेंगे. इसको प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर hcl.com. हमने अपने जो डोमेन कंट्रोलर है उसका नाम क्या दिया था, hcl.com. यहाँ पर आ भी रहा hcl और जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो लॉगिन करेगा वो hcl का एडमिन लॉगिन करेगा यहाँ पर. तो हम पासवर्ड एंटर करेंगे. हमारा सर्वर मैनेजर पेज ओपन हो गया. आप यहाँ पर देख सकते हैं ADDS. यहाँ पर कोई एरर भी शो नहीं कर रहा है, सब कुछ ग्रीन है. तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसके बाद हम टूल पर जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, इस पर क्लिक करेंगे.
इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं hcl.com। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ यूज़र्स हैं, जब आप फर्स्ट टाइम अपने आप एडी को इंस्टॉल करते हैं तो ये यूज़र्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन आपको शो करता है और यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर्स की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा DC1 आ चुका है, जो कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है और हमारी फर्स्ट साइट है। हम hcl.com को पिंग कराते हैं। अब cmd में जाएंगे, पिंग hcl.com। आप देख सकते हैं हमारा hcl.com पिंग कर रहा है। मैंने आपको DNS के बारे में भी बताया था, जब आप फर्स्ट टाइम AD को इंस्टॉल करते हैं तो DNS भी कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर hcl.com आ गया है और ये हमारा DC1 है, जिसका IP ये है। यूजर्स एंड कंप्यूटर्स को ओपन करने के लिए एक कमांड और है जो मैं बता देता हूँ आपको, dsa.msc। रन में जाकर अगर आप ये कमांड चलाते हैं dsa.msc, तो आपका यूजर्स एंड कंप्यूटर्स ओपन हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको ये नहीं पता है कि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर और ट्री डोमेन कंट्रोलर क्या होता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।